हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं पिछले वाले एपिसोड का। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में जो वेरी टाइप्स ने कितने गंदे तरीके से बेइज्जती करके मारा था जरबान को, और फिर वो ड्रैगन बॉल ले गया था क्रिलिन से। इस एपिसोड का नाम होने वाला है अननोन एनिमीज, यानी कुछ नए बंदे आने वाले होंगे शायद इस वाले एपिसोड के अंदर, हमें पता नहीं क्या होगा। फिर गोगुहान और क्रिलिन बात कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, तो क्रिलिन कहता है कि गुरु उसके पास चलते हैं, वो हमें पावर देगा। तभी दूसरा सीन चेंज होता है और ये होता है अपने फ्रीजा का, और फ्रीजा कहता है उसके पीछे कुछ बंदे खड़े हुए होते हैं उनसे, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, क्या जरबान ने वेजिटा को मार दिया होगा या फिर वेजिटा जरबान को हरा देगा। तो उनमें से पीले वाला बंदा बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फ्रीजा बोलता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कुछ नहीं बोलता। तभी फ्रीजा खुद कहता है कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहाँ गिन्यू फोर्स को बुला लूँ। तो उनमें से वो बंदा कहता है क्या गिन्यू फोर्स, मास्टर बुला लीजिए, ये तो अच्छी बात है ना कि न्यू फोर्स यहाँ पर आएगी। तभी फ्रीजा हंसने लगता है और बहुत खुश होता है। तभी अगला सीन शूट होता है, ये होता है एक अजीब से प्लैनेट का, उस प्लैनेट का जहाँ पर वेजिटा घायल होने के बाद गया था जब गोकू ने उसकी धुलाई की थी। तो वहाँ पर हमें 5 बंदे दिखाए जाते हैं, वो स्पेसशिप में बैठते हैं और भले एक स्टॉल से सब स्पेसशिप का दरवाज़ा बंद होता है, 2 अलग साइड से, 3 अलग साइड से स्पेसशिप पाँचों की पाँचों उनके प्लैनेट से उड़ जाती हैं और वो उड़कर निकल जाते हैं सफ़र पर, और वो जा रहे हैं प्लैनेट नेमिक पर, और यही है गिन्यू फोर्स, और वो बहुत ही स्पीड से लॉन्च हो जाते हैं। और वो वहाँ के जो बंदे होते हैं वो अलग तरह से काउंट डाउन कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो 10 से 1 तक होता है और वहाँ पे 10-9, 10-8, 10-7 इस तरह से हो रहा होता है। तभी एक अगला सीन शूट होता है, यार कितने सीन शूट करते हैं ना ये आप, चलो छोड़ो यार। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है किंग सामा का प्लैनेट दिखाया जाता है, जो किंग सामा होते हैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा होता है यामचा, और तभी यामचा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो किंग सामा के पास आते हैं, तो किंग सामा कांप रहे होते हैं और वो कुछ सोच रहे होते हैं और वो बताते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कुछ कोई बहुत ताकतवर है जो प्लैनेट नेमिक की ओर जा रहा होता है। तभी यामचा बोलता है क्या ज़रूर वो गोकू होगा, गोकू जा रहा होगा प्लैनेट नेमिक की ओर। तो किंग सामा बोलते हैं नहीं वो 5 बंदे हैं, वो कोई एक नहीं है। तो यामचा कहता है क्या 5 बंदे, तभी वो कहता है कि ये गिन्यू फोर्स है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी यामचा कहता है कि अब तो हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं, अब हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। और किंग सामा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, वो बहुत टेंशन में होते हैं और वो सोचते हैं कि वो गोकू से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और तभी क्रिलिन यामचा और टियाने वो भी टेंशन में आते हैं। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो गोकू है अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो होता है गोहान का, जो गोहान है वो भी उड़ा हुआ जा रहा होता है, ऐसे ही वो हवा में उड़ा हुआ जा रहा होता है। तभी उसे किसी के आने की पावर का एहसास होता है और वो छुप जाता है, और जैसे ही वो छुप कर खड़ा होता है तो वेजिटा भाप लेता है कि यहाँ पर कोई बंदा है और वो अपनी पावर छुपा रहा है। और जो गोहान होता है वो कहता है कि मुझे अपनी प्रेजेंट छुपानी होगी कि मैं यहाँ पर, और वो अपने पावर लेवल को बिल्कुल 0 कर लेता है और फोकस करता रहता है कि मैं छुपाऊँ। तभी वेजिटा कहता है कि ए मुझे पता है यहाँ कोई है, या तो तुम चुपचाप बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा, समझ रहे हो, तुम सुन रहे हो, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूँगा और मैं इस पूरे एरिया को उड़ा दूँगा जिसमें तुम मर जाओगे, तुम बाहर आते हो या नहीं। तो गोहान बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन गोहान कहता है वेट ए मिनट, और कहता है कि मैं ड्रैगन बॉल का क्या करूँ। तभी वो पहाड़ी के पीछे ड्रैगन बॉल लगता है और अकेला बाहर निकल कर चला जाता है और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है। और जो वेजिटा होता है वो सोचता है कि ये तो क्या करोड का बेटा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। और तभी वो कहता है कि ये तुम्हारे डैड कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गोहान बोलता है कि मैं अपने डैड से काफ़ी टाइम से नहीं मिला हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है जब मैं उनसे मिला था। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हारे दोस्तों से मिल के आया हूँ, मैंने ड्रैगन बॉल उनसे ली है। तो गोहान बोलता है क्या तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं, तुमने उन्हें नुकसान तो नहीं पहुँचाया। तभी वेजिटा बोलता है नहीं मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, वो अभी जिंदा है, मैंने उनसे ड्रैगन बॉल मांगे, उन्होंने मुझे आराम से दे दी, तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ के आ गया। तभी हमें बताया जाता है जो वेजिटा होता है वो कहता है कि अब मेरे पास सारी ड्रैगन बॉल है, अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा और मैं फ्रीजा को भी मार दूंगा और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। और तभी गोहान सोचता होता है क्या सर ड्रैगन बॉल पर एक तो मेरे पास है। तभी इतनी देर में वेजिटा उसके पास आता है और आकर उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है हे तुम घबराओ मत, आखिर हम सैयन हैं, तुम मेरे भाई जैसे हो क्योंकि तुम आखिरी बचे हुए सैयन में से एक हो। वो तभी गोहान डर जाता है, सोचता है क्या ये कैसी बात कर रहा है, और गोहान थोड़ा नरम सा हो जाता है। और इतने में वो पकड़कर
गोहान का सर अपने पैर पर मारता है, जिससे कि गोहान जमीन पर गिर जाता है और गोहान पर उठा नहीं जाता। और वेरिटा उसे ये कहकर चला जाता है कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सब बर्बाद करूँगा, और उठकर चला जाता है। तभी जो गोहान होता है वो बैठा हुआ उठता है और कहता है मैंने ड्रैगन बॉल बचा लिया, और जैसे वो पीछे होता है तो वो पीछे ही गिर जाता है और वह कहता है मैंने ड्रैगन बॉल को बचा लिया है। तभी अगला सीन शूट होता है, ये होता है क्रिलिन का, जो क्रिलिन है वो उस गुफा से बाहर खड़ा हुआ है और कह रहा है गोहान तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ गोहान। तभी बुलमा आते हैं, कहते हैं क्या गोहान है, तो क्रिलिन बोलता है नहीं मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो गोहान होगा। तभी इतनी देर में एक बंदा उठता हुआ आता है और क्रिलिन समझाता है ये तो गोहान है, और वो कहता है देखो मेरे पास क्या है, एक ड्रैगन बॉल। तभी क्रिलिन कहता है कि अरे वाह तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। तो गोहान से बताता है कि मुझे तुम्हारे पूरे बारे में पता चल गया है कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर वेजिटा आया था और वेजिटा ने तुमसे ड्रैगन बॉल ले ली। तो क्रिलिन सॉरी करता है कि मुझे माफ़ कर दो मैं उससे ड्रैगन बॉल नहीं बचा पाया। तो गोहान कहता है कोई बात नहीं वो वैसे ही घुस जाता था, अगर तुमने अच्छा किया, तुमसे वो मुझे देखकर खुशी हुई। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो वेजिटा होता है वो प्लैनेट नेमिक के उस शहर में जाता है जहाँ पर उसने नेमिक को मारा था और ड्रैगन बॉल छुपाई थी, और जहाँ उसने पानी में ड्रैगन बॉल ढूंढी थी उस पानी में कूदता है और ड्रैगन बॉल को ढूंढने की कोशिश करता है। वो सारे में ढूंढता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं तो कभी बाएं, और तभी उसके याद आता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो कैकरोड का बेटा वो इसी लोकेशन से गया था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अरे उसके हाथ में जो वॉच थी मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो उसने कहा था कि ये तो सिर्फ एक वॉच थे वॉच है और वो ज़रूर ड्रैगन बॉल लोकेटेड होगा, उससे ही उसने ड्रैगन बॉल की लोकेशन का पता लगाया होगा। और वो गुस्से में उठता हुआ जाता है और कहता है कि तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा गधे कहीं कहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो ये कहकर पूरी स्पीड से उड़ा चला जाता है और बहुत ही कम समय में उस गुफा के पास पहुँच जाता है जहाँ पर क्रिलिन गोहान और बुलमा थी, और वो उस केव के अंदर जाता है और अंदर जाकर कहता है नहीं तुम कहाँ चले गए, और उस पूरी गुफा को तबाह कर देता है। और वो वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो हवा में उड़ता है और उन्हें देखने की कोशिश करता है कि वो कहाँ चले गए, आखिर वो कहाँ गायब हो गए, वो मुझे दिख क्यों नहीं रहे। और तभी वेजिटा गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्या कर रोट के बेटे तुम मुझसे बचकर कहाँ जा सकते हो। फिर तभी एक अगला सीन शूट होता है जो होता है दो पहाड़ों का, उन दो पहाड़ों के बीच में से एक छोटा सा बच्चा ऊपर आता है, वो गोहान होता है, और वह कहता है ए अब हम सेफ है तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बुलमा कहती है कि हम सेफ कैसे है, हमने गुफा छोड़ दी है, वेजिटा ने हमें देख लिया, वेजिटा को पता चल गया है कि हम यहाँ पर हैं, अब हम कैसे बचेंगे। तो क्रिलिन कहता है कि अभी भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास सिर्फ 6 ड्रैगन बॉल है, एक हमारे पास है, जब तक हमारे पास है कि वो ड्रैगन को नहीं बुला सकता, और गोहान और मैं गुरु के पास जाएंगे और गुरु गोहान को भी ताकत देगा जिसकी वजह से हम दोनों मिलकर वेजिटा के साथ लड़ सकते हैं और कम से कम उसे बोल तो ले ही सकते हैं। फिर तभी अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है कि न्यू फोर्स का, वो स्पीड से आ रहे हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जो फ्रीजा का होता है, वो भी कुछ सोच रहा होता है, और हमारा गोगो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्रिलिन और गोहान भी निकल जाते हैं गुरु से मिलने। तो कल का एपिसोड आपको मिलेगा कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।